नमस्कार दोस्तों, SM कुकिंग चैनल OIV में आपका स्वागत है। आज हम आपको आलू गोभी मटर की एक बहुत अच्छी सब्जी बनाना दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे मटर छील के रखी हुई है, टमाटर प्याज को कट कर लिया है, ग्रीन चिली है और ये धनिया काट के रखा हुआ है, और इधर हमने गोभी और आलू को धोकर काट लिया है, और जो इसमें मसाले लगेंगे वो देख लीजिए आप। इसमें है ये धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक, मिर्ची, यही सब लगेगा इसमें। तो दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं कि हम लोग किस तरह से आलू गोभी की सब्जी बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम गैस पे कढ़ाई को रख लेते हैं और इसमें ऑयल डालते हैं। अब जैसे ही हमारा ऑयल गरम होगा, हम इसमें गोभी को फ्राई करेंगे। देखिए दोस्तों, अब हमने गोभी इसमें डाल ली है। अब इसको हम हल्का ब्राउन होने तक पकाएंगे। देखिए, ये हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसको हम गोभी को निकाल लेंगे। देखिए, अब इसमें हम आलू डाल के फ्राई कर लेंगे। देखिए, हमारा आलू हो चुका है। अब हम आलू को भी गोभी वाली प्लेट में ही निकाल लेंगे। पहले हम एक साथ इसलिए नहीं रखे थे क्योंकि दोनों को फ्राई करना था। इस तरह से अगर आप सब्जी बनाएंगे तो देखेंगे कि इसका स्वाद कितना अच्छा हो। देखिए दोस्तों, अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे तेजपत्ता, जीरा, हींग, इसको थोड़ा सा चलाएंगे और इसमें डालेंगे 3 से 4 ग्रीन चिली। इसको हल्का फ्राई करते ही अभी हम इसमें प्याज डालेंगे कटे हुए। देखिए, अब हमारी प्याज होने लगी है। अब इसमें हम थोड़ी ही देर में मटर डालेंगे। मसाले इसलिए नहीं ऐड करेंगे क्योंकि मसाले एकदम से इसमें डालेंगे तो जल जाएंगे। तो हम सबसे पहले इसमें
ये ग्रीन चिली और कटे हुए टमाटर डालेंगे। ये मटर के बाद में हम इसमें टमाटर डाल दिए हैं। देखिए टमाटर में क्योंकि थोड़ा जूस होता है तो इसीलिए हम पहले मसाले नहीं डालते हैं, क्योंकि अगर हम सीधे तेल में मसाले डालते हैं तो वो एकदम से स्मेल जो छोड़ते हैं जिससे खांसी आने लगती है, जलने लगता है मसाला, तो इसीलिए हमने पहले ये मटर और टमाटर डाले हैं। अब हम इनमें इनको भूनते रहेंगे और इनमें ही मसाले ऐड करेंगे। तो हम सबसे पहले डालते हैं इसमें हल्दी। देखिए हल्दी डाल दी है। अब इसमें डालेंगे हम धनिया पाउडर। देखिए धनिया पाउडर डाल दिया है, और अपने हिसाब से जितना आप तीखा खाते हैं उस हिसाब से आप इसमें मिर्ची पाउडर डाल दीजिए। कोई तीखा खाता है, कोई कम तीखा खाता है, तो आप अपने हिसाब से इसमें मिर्ची पाउडर ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें बहुत थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। देखिए अब हम ये मटर और टमाटर के साथ में अब इसमें हम इनको चला लेंगे थोड़ा। देखिए तो घुमाने से अभी हमारे मसाले नहीं जलेंगे, क्योंकि इसमें टमाटर का जो पानी है उसके साथ में मसाले हमारे भुन रहे हैं। अब इसमें हम नमक ऐड कर लेंगे अपने स्वाद के अनुसार। देखिए इसको हम अब अच्छे से चलाएंगे। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सूखने लगा है तो आप एक से दो चम्मच इसमें पानी ऐड करके पका सकते हैं मसाले को, जब तक कि आपके ये टमाटर ना गल जाए। देखिए इससे क्या होगा, आपका मटर भी पक जाएगी, टमाटर भी अच्छे से पक जाएगा और आपका मसाला भी अच्छे से भुन जाएगा। अब हम इसको देखिए थोड़ी देर पकाएंगे। जब हमारा मसाला थोड़ा तेल छोड़ने लगेगा तो समझ लीजिए हमारा मसाला रेडी है। देखिए हमारा मसाला रेडी हो गया है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए गोभी और आलू को भी डाल देंगे और अच्छे से चलाएंगे। देखिए अब इसमें हम ये लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा हम बाद में डाल रहे हैं ताकि अच्छे से खुशबू इसमें आ जाए। अभी इसको मिलाकर हम लगभग 3-4 मिनट तक पकाएंगे। ये मसाले के साथ में गोभी और आलू को भूनेंगे। देखिए देखिए हमारी सब्जी का कलर अभी से अच्छा आने लगा है। ऐसे ही हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे। देखिए दोस्तों ये हमारा सब्जी अब भुन गई है अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद भी। देखिए हमने जब पहले से गोभी और आलू को फ्राई किया है तो हमें इसमें कोई पानी डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी मसाले जो हमारे सब्जी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं, इसलिए हम लगभग आधा कप पानी इसमें डाल देंगे। आधा कप से भी कम ही लगेगा। देखिए बस इसको चलाने के बाद में गैस को एकदम धीमी कर देंगे और इसको प्लेट से ढक देंगे। देखिए दोस्तों अब आप देख सकते हैं हमारी सब्जी बन गई है।
आप आलू और गोभी को प्रेस करके भी चेक कर सकते हैं कि आपकी सब्ज़ी रेडी हुई है या नहीं हुई है। देखिए ये हमारा आलू कट हो गया है और गोभी तो पहले से हो ही गई है। अब इसमें हम हरा धनिया ऐड करेंगे। और गैस को बंद कर देंगे। देखिए इतना अच्छा सा कलर हमारी सब्जी का आया है। ऐसे ही आप अपने घर पे भी बनाकर खा सकते हैं। देखिए दोस्तों हमारी सब्जी बनके रेडी हो चुकी है। आप इसको पूरी के साथ में खाएंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। रोटी के साथ में भी आप खा सकते हैं। जैसे आपका मन चाहे वैसे खाइए और इस तरह से सब्जी बनाइए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।